हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज से पहले मेकर्स ने इस फिल्म के लिए मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की। फिल्म की लीड एक्टर आलिया भट्ट इस स्क्रीनिंग पर व्हाइट आउटफिट में नजर आईं। लेकिन व्हाइट आउटफिट पहनने वाली आलिया सिर्फ अकेले ही नहीं थी। आलिया भट्ट इस स्क्रीनिंग पर दीपिका पादुकोण की तरह ही व्हाइट कलर के आउटफिट में दिखी। दरअसल दीपिका और आलिया दोनों ही सेम कलर के आउटफिट में नजर आए और उन्होंने इस स्क्रीनिंग पर ट्विन किया। वेल, आपको आलिया और दीपिका में से किसका लुक लगा है बेस्ट, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। इस स्क्रीनिंग में शामिल और भी कई लोग हुए, तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो स्टार्स। वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने भी इस स्क्रीनिंग पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, तापुर राजी को ग्रीट किया। बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की, जिन्हें इस स्क्रीनिंग पर तापुर राजी ने क्लिक किया। एक्ट्रेस सारा अली खान, कृति सेनन और जानवी कपूर को भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचते हुए पापराजी ने स्पॉट किया। ये तीनों ही ग्लैमरस अवतार में दिखी। विकी कौशल को भी इस स्क्रीनिंग पर आते हुए देखा गया। कपल सेक्शन की बात करें तो मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे हुए थे। वहीं ईशान खट्टर और अनन्या पांडे पहली बार खुलकर एक साथ पापराजी के सामने नजर आए। तो वहीं रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को भी इस स्क्रीनिंग पर देखा गया। When are you excited to watch गंगूबाई काठियावाड़ी? Let us know in the comments below and for more such updates, keep watching our channel.